हाल ही में रिलीज हुई है डायरेक्टर आदित्य चोपड़ा की फिल्म बेफिक्रे, जिसमें रणवीर सिंह और वाणी कपूर प्यार की सारी हदें पार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिल्म में 23 किस करने के बाद भी रणवीर और वाणी की केमिस्ट्री से ज्यादा बात रणवीर के उस एक सीन की हो रही है जहां वो अपना बट दिखाते नजर आ रहे हैं। क्या आपको पता है कि रणवीर सिंह ने पहली बार ये काम करने की हिम्मत नहीं जुटाई है? एक्टिंग डेब्यू से पहले भी रणवीर सिंह ने अपने बट को लोगों के सामने एक अलग अंदाज में पेश किया था। एक फोटोशूट के लिए रणवीर सिंह सारे कपड़े उतार कर पानी भरे टब में लेटे थे। अगर आप इस फोटो को ध्यान से देखें तो ये अपने आप कई कहानियां बयां करता है। एक टब के शांत पानी में गहन चिंता में डूबा एक नंगा इंसान। वैसे रणवीर ऐसे पहले सेलेब नहीं है जो इतना बोल्ड फोटोशूट करवा चुके हैं। इससे पहले भारत के सुपर मॉडल मिलिंद सुमन और उनकी गर्लफ्रेंड मधु एक फुटवेयर कंपनी के लिए बेहद ही बोल्ड फोटोशूट करा चुके हैं। ये फोटोशूट उस समय के मुताबिक इतना हॉट था कि इसको बैन कर दिया गया था। मोबाइल मेकर मोटोरोला ने अपना नया स्मार्टफोन मोटो एम भारत में लॉन्च कर दिया है। मुंबई में मोटो एम के लॉन्च के मौके पर बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा भी पहुंची। इस मौके पर उन्होंने गोल्डन कलर की शॉर्ट स्कर्ट और व्हाइट कलर की शर्ट पहनी हुई थी, लेकिन शॉर्ट स्कर्ट उनके लिए मुसीबत बन गई। बैठते वक्त वो अपनी शॉर्ट स्कर्ट को खींचते हुए नजर आई और उनके इनर वेयर साफ नजर आ गए, जिसकी वजह से वो ऊप्स मोमेंट का शिकार हो गईं। वो कई बार अपनी स्कर्ट को एडजस्ट करते हुए कैमरों में कैद हो गईं, जिससे साफ है कि इस आउटफिट में वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रही थी। काबिल का दूसरा गाना सारा जमाना हसीनों का दीवाना रिलीज हो चुका है। इस आइटम सॉन्ग पर अपने हॉट एंड बोल्ड डांस से सबको दीवाना बनाया है उर्वशी रावतेला ने। उर्वशी की बोल्ड अदाओं को देखकर हर कोई इस हसीना का दीवाना हो चुका है। उर्वशी इस गाने पर दिल खोल कर थिरकती हुई नजर आ रही है। अमिताभ की याराना फिल्म का गाना सारा जमाना जबरदस्त हिट हो चुका है, जिसे दोबारा बड़े पर्दे पर एक अलग ही रूप में देखना दर्शकों के लिए एक अच्छा अनुभव रहेगा। इस गाने के नए वर्जन को फीमेल वॉइस के साथ निखारा गया है। काबिल संजय के निर्देशन में बनी वो फिल्म है जिसमें ऋतिक रोशन के साथ यामी गौतम की जोड़ी बनाई गई है। ऋतिक रोशन और यामी गौतम स्टारर फिल्म काबिल 25 जनवरी 2017 को रिलीज होगी। बिकिनी गर्ल पूनम पांडे कोई मौका नहीं छोड़ती लाइमलाइट में आने का। पूनम हाल ही में मालदीव्स में छुट्टियां मनाकर लौटी हैं। हॉलीडे से लौटी पूनम ने फैंस के इस दर्द पर मरहम लगाने का काम किया है। दरअसल एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा की पहली हॉलीवुड फिल्म बेवॉच का ट्रेलर रिलीज हुआ, लेकिन भारतीय फैंस ट्रेलर से खासे नाराज हुए। ट्रेलर में प्रियंका चंद सेकंड्स की झलक भर दिखाकर गायब हो जाती हैं। इसके लिए पूनम ने बिकिनी पहनकर बीच पर की अपनी एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की है। इस वीडियो में वो बेवॉच की फेमस लाल बिकिनी पहनकर भागती नजर आ रही है। बॉलीवुड स्टार अमिताभ बच्चन की नातिन नाव्या नंदा एक बार फिर से सुर्खियों में है। इस बार नाव्या अपनी बिकिनी वाली फोटो को लेकर फिर से सुर्खियों में छा गई हैं। ये तस्वीर नाव्या ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की है। इस तस्वीर में वो ब्लू बिकिनी में नजर आ रही हैं। इससे पहले भी नाव्या बिकिनी में नजर आ चुकी हैं। अमिताभ बच्चन की नातिन नाव्या नवेली नंदा 19 साल की हो गई है। 6 दिसंबर को उन्होंने अपना बर्थडे दोस्तों के साथ सेलिब्रेट किया। नाव्या के इंस्टाग्राम फैन क्लब ने पार्टी की कई तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें वो अपने दोस्तों के साथ मस्ती करती दिखाई दे रही हैं। अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी न्यूज देखने के लिए। फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ। बाय बाय।